खबर ये है कि बड़ी स्पीड से ये डंपर यहाँ से आया है और इतनी स्पीड से आया कि कई रेहड़ियों को इसने अपने चपेट में ले लिया। लड़का जा रहा था, मेरा सर रेहड़ी लेके ये तेजी में भागे जा रहा है और लड़का बच गया, चोट लगा पैर में, भागा। गाड़ी मेरा 40,000 के माल है और 50,000 के गाड़ी है, पूरा थौआ थौआ कर दिया। रखा है ड्राइवर, वो अभी भक्कू बन रहा है। ये शॉर्टकट मारते हैं में हैवी ड्यूटी गाड़ी के लिए, दो रास्ता दूसरा, ये सर्विस लेने, इतनी बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं होनी चाहिए। कम से कम 2500 हो तो कैब खड़ी होती है, बाहर बच्चे इतने सारे होते हैं, स्कूल के टाइम में होते तो ज़्यादा ही। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त द्वारका के सेक्टर 7 में मैक्सफोर्ड स्कूल के पीछे हम लोग मौजूद हैं, जहां एमसीडी का जो डंपर है वो आपको यहां नज़र आ रहा होगा। खबर ये है कि बड़ी स्पीड से ये डंपर यहां से आया है और इतनी स्पीड से आया कि कई रेहड़ियों को इसने अपने चपेट में ले लिया। यहाँ से वो आया है, उसके बाद पेड़ में टकराया, यहाँ पर इस रेहड़ी पर टकराया और एक जो अंदर आपको नज़र आ रही होगी आइसक्रीम की भी आपको ठेला अंदर नज़र आ रहा होगा, और उन सबको अपनी चपेट में लेते हुए यहाँ पर बिजली के खंभे से वो टकरा गया है। और यहाँ पर आप देखें बिजली के खंभा टूटा हुआ है, पूरे तार वार सब यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और ये क्या था पूरा मामला ये जानते हैं, आपकी ही अंदर रेहड़ी दबी हुई है, क्या हुआ है? क्या लड़का जा रहा था, मेरा सर रेहड़ी लेके ये तेजी में भागे जा रहा है और लड़का बच गया, चोट लगा पैर में, भागा। गाड़ी मेरा 40,000 के माल है और 50,000 के गाड़ी है, पूरा थौआ थौआ कर दिया। इतनों पर भाग रहा है, इतनों पर मैं मारने नहीं दी किसी को, इसको बचा ली ड्राइवर को, ये ड्राइवर फिर भी भाग रहा है गाड़ी घुसेट के। ड्राइवर ने ड्रिंक वगैरह करी है? हाँ, दारू पी रखा है ड्राइवर, वो अभी भक्कू बन रहा है, दारू पी रखा है। मैं बोल रही हूँ रुको रुको रुको, तैयो नहीं रुक रहा, भाग रहा है और गाड़ी मेरा चपता हो रहा है, मंदा मर जाता, मेरा लड़का मर जाता है आज, फिर भी भाग रहा है गाड़ी लेके। फिर से आया था ये, कहाँ से? इधर से आ रहा था, ठीक है, और इधर जा रहा है रोड के तरफ। ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड से इतना तेजी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। हाँ, स्कूल के टाइम में छोटा छोटा बच्चे रहता है, रोज गाड़ी घुसरता है तेजी में। ये आज वो बच्चे का छुट्टी हो गया था, हमारे बंदा बच गया, गाड़ी हमारा लाख रुपया का नुकसान है, ठीक है। हमारा ये सब इंसाफ हमारे साथ होना चाहिए। मारते हैं जी, ये शॉर्टकट मारते हैं एक्चुअली में हैवी ड्यूटी गाड़ी के लिए, दो रास्ता दूसरा, ये सर्विस लेना, इतनी बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं होनी चाहिए इस गाड़ी जी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो ये चाय वाले पे पहले मारो, अंकल आ जाओ अंकल। ये देखिए यहाँ पर जो है पूरी दुकान थी चाय की और उसको पहले इसने रौंदा है और उसके बाद आगे पेड़ में टकरा के इसको रौंदा है, फिर आगे गया है और इसकी चपेट में फिर आइसक्रीम की एक रेहड़ी आई है, वो भी आपको नज़र आ रही होगी तस्वीरों में। उसके बाद ये बिजली के खंभे से टकराया है। आपका ये आपका दुकान था? हाँ जी हाँ। क्या हुआ था, कितनी स्पीड में ये आया था? स्पीड तो थी इसकी, स्पीड तो थी लेकिन स्कूल टाइम ख़त्म हो गया था, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होता। क्या ड्राइवर ने कुछ ड्रिंक वगैरह की हुई थी, आँख लग गई थी, क्या हुआ था? ड्राइवर का ये नहीं पता, ड्रिंक वगैरह का तो मैं तो कैसे कैसे हुआ है? मैं सर जी चाय बना रहा था मैं उस समय। तो आपने खुद को कैसे बचाया? हादसा हुआ है, है? मैं कहीं नहीं, कहीं हिला ही नहीं मैं तो। अच्छा, मैं यहीं खड़ा हुआ था, यहाँ यहाँ था पीछे, इधर रहती है इनकी, और ये यहाँ था मैं पीछे। अच्छा, हाँ जी, यहाँ से नहीं वहीं से गुजरा, पेड़ ऐसा टेढ़ा हुआ है वो, तो ये हमेशा गाड़ी टकराती है उससे, ये सर जी हमेशा गाड़ी टकराती है इस पेड़ से, बच जाती है, कोई सही ड्राइवर होता सही निकाल लेता है। अब इसने तो बिल्कुल ही मतलब खींचता हुआ ले गया इसको, वहाँ खंबे से टकराया ये। तो आपको बता दें कि ये स्कूल है, मैक्सफोर्ड स्कूल है और उसके ठीक पीछे ये पूरा हादसा हुआ है। और गनीमत रही कि उस वक्त बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन अगर सोचिए कि स्कूल की छुट्टी के वक्त जब यहाँ स्कूल की वैन खड़ी होती हैं, स्कूल के बच्चे खड़े होते हैं, उस वक्त अगर ये हादसा होता तो ना जाने कितना बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। हालाँकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन नुकसान देखकर आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कितना भयंकर ये मंजर रहा होगा। नीचे की तरफ जो है आइसक्रीम की रेहड़ी अभी तक दबी हुई है, ये पूरा का पूरा पेड़ देखिए पूरा उखाड़ के इसने अलग कर दिया है। और ये ट्रक एमसीडी का ट्रक है, कूड़े का ट्रक है, और क्या है इसके पीछे का रीज़न, क्या ड्रिंक की हुई थी ड्राइवर ने या फिर क्या हुआ था, ये जांच का विषय है। आप भी यहीं पर थे सर जब हुआ है? नहीं सर, मैं नहीं था, मैं तभी आया तो गए हुए थे। क्या बताया गया आपको? हम तो बच्चे लेके गए हुए थे उस समय, तो ये गाड़ी जब आई जब तक हादसा हो चुका था। क्या बताया गया आपको हादसे के बारे में? हमें बताया गया गाड़ी उधर से स्पीड में आई थी ये और आगे इसमें पेड़ में टकराया, पेड़ में टकराई, उसके बाद में दो बिजली के खंभे भी टूटे हुए हैं ना, एक उधर देखो आप जाके उस तरफ में और एक इधर। ये तो कोई था नहीं उस समय, नहीं तो हादसा हो जाता। स्कूल के हैं? हाँ स्कूल के। कितने बजे छुट्टी होती है? 2 बजे छुट्टी होती है बच्चों की। ये कितने बजे हुआ है?
ये लगभग शायद 3 बजे के आसपास हुआ, ढाई पौने 3 बजे के आसपास हुआ है। उस समय तो बच्चे चले गए थे, नहीं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हादसा तो बहुत तगड़ा हो जाता है। यहीं से गुजरते हैं? हाँ, डेली यहीं से बताते हैं, यहीं से जाते हैं। इधर स्कूलों की बसें खड़ी रहती है, बच्चे आते हैं निकल करके जाते हैं। स्कूल के काफी बसें क्या कैब इतने सारे खड़े होते हैं, कम से कम 2500 हो तो कैब खड़ी होती है। बाहर बच्चे इतने सारे होते हैं, स्कूल के टाइम में होते तो ज़्यादा ही कुछ नुकसान होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसके बगल में ठीक स्कूल है, और जिस वक्त ये पूरा मामला सामने आया, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे घर जा चुके थे। लेकिन अगर सोचिए, जिस वक्त स्कूल की छुट्टी होती है उस वक्त स्कूल की वैन बाहर खड़ी होती है, बच्चे बहुत सारे निकलते हैं, उस वक्त अगर ये इतनी स्पीड में आया होता तो न जाने क्या हो जाता, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और अभी भी आप देखेंगे, तस्वीरें देखकर आप सोच सकते हैं कितना भयंकर ये मामला रहा होगा। इधर को आकर कैमरामैन दिखाया, बिजली के खंभे से ये टकराया है डंफर। पहले ये पेड़ से टकराया, पेड़ उखाड़ कर एक तरफ फेंक दिया, कई सारी रेहड़ियों से टकराया, और उसके बाद आखिरी में बिजली के खंभे से टकराया। बिजली का खंभा देखिए पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा जो है खंभा एकदम अलग हो चुका है। और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा होने से जो है बच गया है। लगभग 200 मीटर से यहाँ बड़ी स्पीड में आया है, 60-70 की स्पीड में यहाँ पर आया है, लोग बता रहे हैं। और कई चीज़ों से टकराता हुआ यहाँ पर आया है ये। यहाँ बिजली खंभे टकराया है, पेड़ से टकराया है, और जिस जिस चीज़ से टकराया है वो सभी चीज़ें जो है इसने उखाड़ के फेंक दी, बिल्कुल कचुमट निकाल दिया। और अब देखिए ये MCD का ट्रक आपको नज़र आ रहा होगा, और मेरे कैमरामैन के ठीक पीछे मैक्सफोर्ड स्कूल है, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं। और लगभग 3 बजे का ये समय है, और 2:30 बजे स्कूल के बच्चे यहां होते हैं, स्कूल के बच्चों की वैन यहां खड़ी होती है। अगर उस वक्त ये हादसा हुआ होता तो बहुत बड़ा नुकसान जो है जानमाल का हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। अब यहाँ पर BSE के लोग पहुँचे हुए हैं, बिजली के कर्मचारी पहुँचे हुए, पुलिस पहुँचे हुए हैं, और इस बात की जांच की जा रही है कि ये हादसा आखिरकार हुआ कैसे। ये एक सर्विस लाइन है, और सर्विस लाइन से इतना बड़ा MCD का ट्रक यहाँ से हर रोज़ निकाला जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। और लोग कह रहे हैं कि ये शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट मारने की एक्चुअली कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से ऐसा मामला सामने आता है। कितनी रेहड़ी इसमें आई है चपेट में? कितनी रेहड़ी चपेट में आई है? हमारी एक है, एक रेहड़ी आई है, और रेहड़ी को ले जाने वाले ये थे। इनकी रेहड़ी है क्या? पैरों में चोट लगा। आपकी रेहड़ी नीचे आई जी? किस चीज़ की रेहड़ी थी? आइसक्रीम के रेहड़ी थे, जो मैं लेके जा रहा था साइड से, तो मैंने आवाज़ सुना इसके कुटुक के, मैंने उधर भागा, और उसके बाद आके इसे मार दिया। एक बार ठोकर लगा पहले, उसको रोक देना चाहिए था, साइड से नहीं गया, उस साइड से होके जा रहा था। रोज ऐसे ही आते जाते हैं, रोज आता है, और उसके बाद लगने के बाद रोक दिया था, और नहीं रुक गया था, और रुकने के बाद ये सोचा भागने के लिए, ये फिर वो गड़ी निकाला, और उसके बाद आया, जब तक पैर ये नहीं गिरा था, और उसके बाद वो आया सीधे, और पैर गिरा दिया, और उसके बाद आकर ये पोल है जो, और ये पोल तोड़ा, और उसके बाद जो दो पोल और उधर है खम्भे है, तो उसके बाद वो भी टूट जाता। जैसे हम लोग चिल्लाए उल्लाए, जब तक पकड़े उकड़े तो बच गया। तो ड्राइवर जो है उसने कैसे, मतलब ड्रिंक वगैरह किया होता क्या? ड्रिंक किए थे तभी ऐसे लगा है, ड्रिंक नहीं किए रहते तो नहीं लगता। रोज आता है इसमें आने का जगह उसके नहीं है, रोज यहीं से निकलता है। रोज निकलते हैं, टक्कर मारता हूँ निकलता है। हाँ, रोज नहीं है, पहले क्या, बाकी रोज जाते इसी में है। मेरा 50,000 का नुकसान है, माल था 50। हाँ, 50,000 का माल है, 50,000 की गाड़ी है, 50-60,000 की गाड़ी है। और आपकी रेडी के अलावा और कहाँ कहाँ टक्कर मारा? वही मारा है, पैर में मारा, वही रुक गया, सब पकड़ लिया, नहीं तो और मारता है। चाय वाले के भी बोल रहे, चाय वाले को भी मारे, चाय वाले को पहले मारा है। हाँ, भगवान करिए कि पैर उस पर नहीं गिरा, दे पर पैर साइड में गिर गया, नहीं तो क्या होता। तो ये देखिए, पहले वहाँ से आया है, सामने की तरफ से ये पूरा जो है कूड़े का डंफर है, वहाँ से आया है, उसके बाद चाय वाले की रेहड़ी पर टकराया है, पेड़ पर टकराया है, और उसके बाद आइसक्रीम की रेहड़ी को अपनी चपेट में ले लिया, और उसके बाद देखिए ये BSES का खंभा है, पूरा खंभा इसने उखाड़ के, पूरा खंभा इसने उखाड़ के रख दिया, तोड़ कर रख दिया, और अब ये मंजर आपको नज़र आ रहा है। और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वजह ज़रूर रही होगी, या तो ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी होगी, या फिर कुछ और वजह होगी, क्योंकि बिना वजह के इतना बड़ा हादसा होना नामुमकिन है। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया Times 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।